चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति में बरगद की तरह है। राजनीति में उनका 54 वर्ष का लंबा अनुभव है। सबसे अधिक 5 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड चौटाला के नाम है। 3 बार उपचुनाव जीतकर विधायक चुने गए। कुल 7 बार विधायक बनने में सफल रहे। 1 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। किताबें पढ़ा पसंद है। सुबह व्यायाम भी करते हैं। रैलियों के माहिर माने जाते हैं। तीसरे मोर्चे के प्रमुख नेताओं में शुमार है। सियासत के बरगद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लाजवाब कहानी पर एक नजर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को गांव चौटाला में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव चौटाला, संगरिया और डब्बाली से हासिल की। पिता चौधरी देवीलाल से राजनीति का पाठ सीखा। किसान और कमेरे वर्ग को लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लंबा संघर्ष किया। इसके अलावा उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर अलग राजधानी को लेकर भी एक आंदोलन हरियाणा में चलाया। साल 1986 में चौधरी देवीलाल की ओर से न्याय युद्ध चलाया गया। इस न्याय युद्ध के पीछे ओम प्रकाश चौटाला की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हिंदी, बागड़ी, पंजाबी और उर्दू जुबान पर गजब की पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश चौटाला एक हाजिर जवाब राजनेता है तो वे एक लाजवाब वक्ता भी है। खास बात यह है कि ओम प्रकाश चौटाला 120 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1970, 1990, 1993, 1996, साल 2000, 2005 और 2009 में कुल 7 बार विधायक चुने गए। 1987 में राज्यसभा की सदस्य चुने गए। खास बात यह है कि ओम प्रकाश चौटाला को खुद जहां किताबें पढ़े का शौक है, वहीं उनके ओर से लिखे गए 150 से अधिक आर्टिकल कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला टुकड़ों में 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अपने पिता चौधरी देवीलाल के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद जब पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो प्रदेश में खूब हल्ला और हंगामा हुआ। दिसंबर 1989 में चौधरी देवीलाल केंद्र की सियासत में चले गए और वे उप प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। वे 1987 का चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसे में उनका विधायक बनना जरूरी था। पहली बार 171 दिन तक मुख्यमंत्री की पारी खेलने वाले चौटाला की कुर्सी चली गई और इसी बीच चौटाला ने अपने विश्वास पात्रों में शुमार बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। गुप्ता 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990 तक 51 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार चौटाला ने 12 जुलाई 1990 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 दिन बाद ही चौटाला को कुर्सी छोड़ी पड़ी। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में आज भी 5 दिन का कार्यकाल एक रिकॉर्ड है। चौटाला की जगह दादरी के विधायक मास्टर हुकुम शशा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। उनका कार्यकाल भी 17 जुलाई 1990 से लेकर 21 मार्च 1991 तक ही रहा। इसके बाद चौटाला तीसरी बार 22 मार्च 1991 को मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चौटाला चौथी बार साल 1999 में मुख्यमंत्री बने। इस बार चौटाला ने सियासी चतुराई दिखाई। उनके पिता देवीलाल उम्रदराज हो चुके थे। 1998 में देवीलाल ने आखिरी चुनाव रोहतक संसदीय क्षेत्र से लड़ा था और भूपेंद्र शशा हुड्डा से हार गए थे। ऐसे में अब पार्टी में चौटाला सर्वेसर्वा थे। अप्रैल 1999 के बाद से हविपा भाजपा गठबंधन सरकार हिचकोले खाने लगी। जुलाई की उमस भरी गर्मी में एक रोज चौटाला हविपा के 22 विधायकों को अपने पाले में करने में सफल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। 24 जुलाई 1999 को विधानसभा में बहुमत साबित करने का दिन मुकर्रर था। बंसीलाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। उन्हें आभास हो गया था कि विश्वास मत वे साबित कर नहीं पाएंगे।
ऐसे में चौधरी बंसीलाल ने 23 जुलाई 1999 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 89 विधानसभा क्षेत्रों वाली विधानसभा में चौटाला ने 45 विधायकों का समर्थन दिखाया और 24 जुलाई 1999 को चौटाला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले चौटाला टुकड़ों में 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 1 बार 6 दिन के लिए, 1 बार 16 दिन के लिए और 1 बार 171 दिन के लिए। ऐसे में अब चौटाला मुख्यमंत्री के रूप में लंबी पारी खेलने की रणनीति पर काम कर रहे थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2001 में होने थे, पर चौटाला ने संसदीय चुनाव में मिले अपार समर्थन के चलते विधानसभा चुनाव समय से पहले करवाने का फैसला किया। फरवरी 2000 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा और इनेलो ने मिलकर चुनाव लड़ा। इनेलो ने 29.61% मतों के साथ 47 सीटों पर, जबकि भाजपा ने 8.94% वोटों के साथ 6 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 31.22% के साथ 21 सीटों पर जीत मिली। बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। हविपा को 2 सीटों पर जीत मिली और उसे केवल 5.55% मत ही मिले। 16.90% वोटों के साथ 11 आजाद विधायक निर्वाचित हुए। बंसीलाल खुद और बवानी खेड़ा से ही उनकी पार्टी जीत पाई। उनके बेटे सुरेंद्र तोशाम विधानसभा सीट से धर्मवीर से चुनाव हार गए। ऐसे में चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 से लेकर फरवरी 2005 तक इनेलो पहली बार कोई स्थिर सरकार चलाने में कामयाब रही। ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने जीवन की सबसे लंबी पारी 24 जुलाई 1999 से लेकर फरवरी 2005 तक खेली। इस दौरान चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चौटाला गांव में किसी सार्वजनिक स्थान पर पहुंचते, तमाम विभागों के आला अधिकारियों के बीच ग्रामीणों संग संवाद करते और उनकी समस्याएं जानते। बंसीलाल के विपरीत चौटाला सार्वजनिक मंच से ही अफसरों को फटकार लगाने से गुरेज नहीं करते थे।